हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग एंड फ्रेंड्स। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी वेडिंग एल्बम। मैं ये एल्बम पहले शेयर कर चुकी हूँ अपने चैनल पर, लेकिन जैसे कि अभी रिसेंटली हमारे साथ कुछ नए लोग जुड़े हैं जो मेरी शादी की एल्बम देखना चाहते हैं, तो मैंने सोचा चलिए ठीक है, पुरानी यादें ताज़ा भी कर रहे थे, वैसे बीच में एल्बम निकाली थी तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूँ हमारी वेडिंग एल्बम। पहले टाइम में ऐसी कुछ कुछ वेडिंग एल्बम होती थी, मतलब हमारी शादी 2011 में हुई थी। सभी एक्साइटेड होते हैं अपनी वेडिंग एल्बम देखने के लिए, है ना। लेकिन मैं एक्साइटेड तो नहीं हूँ खैर, क्योंकि मुझे सारे फोटोज़ पता हैं कि क्या क्या है, लेकिन फिर भी बहुत टाइम हो गया है, तो चलिए एक नए एंगल से देखते हैं। अब हम देखेंगे कितने साल बाद अब मैं कैसी लग रही हूँ। थोड़ा सा देख के लगता है ना, एल्बम की हालत थोड़ी सी बाहर से ख़राब हो ही गई है, तो चलिए खोलते हैं। देखिए है, स्वीट मेमोरीज। अब कपल से पूछा जाए कि स्वीट मेमोरीज होती है क्या होता है, जब फाइट करने पे आते हैं तो कैसे एक दूसरे के जिम्मे होते हैं ना। तो चलिए, हमारा फर्स्ट जो है वो वेडिंग सेरेमनी 22/11/2011, 22nd of November को ये शादी। और ये फोटो देख के सच कहूँ, मेरे दिमाग में एक ही ख्याल आया था जब मैंने पहली बार अपनी एल्बम देखी थी कि मैं इतनी सुंदर दिख सकती हूँ। ओह माय गॉड। एक्चुअली क्या है कि मैं पहले बिल्कुल भी मेकअप नहीं किया करती थी, मेकअप के नाम पे मॉइस्चराइज़र लगा लेते थे, बस फेस पाउडर लगा लिया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। लिपस्टिक तो हमारे यहाँ बिल्कुल भी नहीं अलाउड था कि जब तक लड़की की शादी ना हो लिपस्टिक नहीं लगाएगी, तो यहाँ पे एकदम फुल मेकअप में शादी में ही किया था, तो मुझे, मैं खुद को अच्छी लगी थी। लहंगा भी मुझे बहुत सुंदर लगा था अपना, कलर कॉम्बिनेशन वगैरह सब कुछ, और कुछ ऐसी दिख रही थी मैं। अभी मेकअप की नॉलेज है ना, तो अभी समझ में आता है किसी को गोरा गोरा कर दिया गया था, अदरवाइज मेकअप तो बस ठीक ही है। तो ये था मेरा ओवरऑल लुक। और यस, फोटो में देख के मुझे समझ में आया कि मेरी आईब्रोज के ऊपर की जो बिंदियाँ लगी हुई हैं ये हटी हुई हैं, और मुझे किसी ने बताया भी नहीं। देखो हद हो गई है ना। फोटोज को देख के लग रहा है कि कितना सीधा सा लड़का है, कितनी सीधी सी लड़की है, प्यारी सी है ना। इनके बीच में लड़ाई कहाँ होती होगी, कितना स्वीट सा कपल है, लेकिन असली तो हम दोनों को ही पता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा, ये मेरे ससुराल का घर है ये, ठीक है। ये उस घर पे नेम प्लेट लगी हुई थी पापा जी के नाम के, नीचे हमारा लिखा हुआ है गोत्र, और ये है घर। ये घर 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 बहुत ही हम इसको मिस करते हैं। यहाँ पे हमने मम्मी जी के साथ बहुत अच्छे पल बिताए हुए हैं, इस घर में हमने सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड किया ना, तो इसलिए ये घर हमें हमेशा याद आता है। और चलिए इमोशनल नहीं होना है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज टर्न करते हैं। यहाँ पर ये मम्मी जी पापा जी के साथ खड़े हुए हैं, ये बिल्कुल सीरियस है सब, कौन से मिशन पे जा रहे हैं। एंड यहाँ पर दूल्हे राजा घोड़े पर बैठने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं बैठा जा रहा है उनसे। अंकल जी उनको सपोर्ट कर रहे हैं। ये शादी में घुड़छुड़ी होती है तो मंदिर पे जाया जाता है, मंदिर पे जाते हुए देखिए सभी औरतें वारफेयर करती हैं, तो हमारे दूल्हे राजा की जो नज़र है वो इस नोट पर ही टिकी हुई है कि कब आंटी छोड़ी और कब मैं इसको लपकू। कुछ ऐसा नहीं लग रहा देख के। नेक्स्ट फोटो आ जाता है दीदी और जो हमारे जेठ जी हैं उनके साथ। जो जेठ जी हैं वो इसलिए खुश हो रहे हैं कि अब भाई तुम्हारा भी नंबर लग गया बच्चों, दीदी खुश हो रही है मेरी ही बहन आने वाली है बैंड बजाने के लिए। सच में दोनों की कितनी स्माइल है, ये हमारे पतिदेव सीरियस खड़े हैं बीच में और दोनों बहुत खुश हैं अंदर ही अंदर। आता है हमारे नेक्स्ट फोटो, बीच में फिर से एक याद दिला दिया कितने सारे फोटोज के बीच में भाई शादी इन दोनों की है, क्योंकि अभी तक दुल्हन का काफी देर से फोटो नहीं आया है। मुझे ये वाली फोटो अच्छी लग रही थी अपनी ब्लैक एंड व्हाइट में, क्योंकि ना इसमें पता नहीं क्यों मुझे ब्लैक एंड व्हाइट फोटोज भी अच्छे लगते हैं, अच्छा लग रहा था ये फोटो। और फिर इस फोटो को देखकर क्या लग रहा है कि किसका फोटो लिया गया है। जी बिल्कुल आपने सही समझा, जो बग्गी है ना उसका फोटो लिया गया है। मेरे हस्बैंड तो गलती से आ गए हैं मेन, मतलब जो पूरा वो दिखाया गया है हॉर्सेस पे फोकस है। एंड नेक्स्ट डे वाला फोटो है, इसमें ये बोल रहे थे कि सब लोग उतर कर मेरे फ्रेंड्स वगैरह डांस करने चले गए थे, और यहाँ ये जो गले में माला पहनी हुई थी नोटों की, जैसे कुछ लोग होते हैं ना डांस करते रहते, तो वो नोट निकालने की कोशिश कर रहे थे और मैं माला को संभाल रहा था, कोई नहीं था मेरे पास। यहाँ पर गेट पर एंट्री हो चुकी है, दीदी है मेरी, और यहाँ पर नीम झाड़ते हैं, जैसे ऐसा क्यों होता है, शुद्धिकरण होता है क्या लड़के का, पता नहीं क्यों, मतलब कौन कौन सी रस्में हैं, हम तो देखते आ रहे हैं, रीज़न पता नहीं, लॉजिक नहीं पता उनके पीछे का। और यहाँ हमेशा की तरह मम्मी जी अपने मूड में, बिंदास मूड में, उनको डांस करना बहुत अच्छा लगता है, जैसे गेट पर एंट्री ली थी उन्होंने डांस किया था। और पता है आपको, यहाँ पर गए कोई म्यूज़िक भी नहीं था, बट जैसे होता है ना कि उनको अच्छा लगता है। एंड यस, यहाँ पर हो रहा है खेत, खेत का भी अगेन नाम खेत है इस रस्म का, लेकिन मुझे ये नहीं पता खेत क्यों कहते हैं इसको।
मतलब या तो ऐसे हो सकता है पहले के टाइम में खेतों में बैठ के होती होगी ये रस्म जब पुराने टाइम थे, मतलब मुझे नहीं पता, मैं तो अपना अंदाज़ा लगा रही हूँ, लेकिन हाँ मैं सोचती हूँ कि खेत क्यों कहते हैं। एंड नेक्स्ट फिर कुछ मेरे फोटोज़ आ जाते हैं, जैसे होते हैं दुल्हन के 3-4 फोटोज़ मेन मेन पोज में, लेकिन पोज एक ही है, एक हाफ में है किस तरह से। तो हाँ मतलब अच्छी लग रही है मैं। और फिर से कहूँगी लहंगा मुझे बहुत अच्छा लग रहा था मेरी शादी का, अभी भी रखा हुआ है ऐसे ही, सोचूंगी कभी दोबारा से इसमें इसको पहनकर मेकअप लुक करने का, मैंने किया नहीं है ना। नेक्स्ट हमारी जयमाला का टाइम है, और यहाँ पे पता है क्या, जैसे दोनों साइड में कोई ना कोई लोग होते हैं उठाते हैं, वो वाला सीन हमारी शादी में नहीं हुआ था। हमारे साथ के लोग अलग ही अपनी दुनिया में मस्त थे, कोई खाने पे मस्त आया, पता नहीं किस किस चीज़ में, हम दोनों अकेले थे स्टेज पे। और या ये कहूँ हमारी साइड के लोग तो मेरे को देख के भी घबरा गए होंगे कि भाई हस्ट पुस्ट दुल्हन है, कैसे उठाई जाएगी पता नहीं क्या, लेकिन कोई भी नहीं था। हम दोनों ने एट लास्ट थोड़ा सा देखा कि मतलब कोई ऐसे कुछ शायद नहीं होने वाला, उठने उठाने वाला। हम दोनों ने आपस में फिर एक दूसरे को माला डाल दी थी, ये वाला सीन थोड़ा ऐसे था। हमने एक बार को रुक गए थे कि क्या मतलब करना भी है अभी, माला डालनी है या नहीं डालनी है। एंड यस ये वाला फ़ोटो देखने में कितना अच्छा लगता है दोनों, सच में ये फ़ोटो बहुत अच्छा है। अब देखो अब तो निगाहें अलग बदल गई, गुस्से में देखते हैं एक दूसरे को। नेक्स्ट फोटो है मम्मी जी और पापा जी के साथ। मम्मी जी को देखकर फिर से अगेन थोड़ा सा ये लगा, किसने सोचा था कि ये साथ बस इतने समय के लिए होगा। सच में बहुत अजीब लगता है सोचकर, लेकिन मम्मी जी बहुत सुंदर लग रही हैं, है ना। नेक्स्ट फोटो है हमारी सिया का, और सिया तो ऐसे बेहाल हो रखी है कपड़ों में, ऐसे लग रहा है सारे काम सिया ने ही किए हैं। लेकिन बिल्कुल ना सिया है नहीं जैसे लग रही है ना, मींस मतलब है नहीं सिया पे लगता है, बिल्कुल टू कॉपी लगते हैं एक दूसरे की इन छोटे फोटोज़ को देखकर। एंड यस नेक्स्ट फोटो है, ये हमारी मासी हैं, आपको अगर याद हो जब मेरा जो छोटा भाई था उसकी शादी मैंने आपके साथ शेयर की थी, तो हमारी दोनों मासी है ये। मैं कहूँगी किसी भी फंक्शन की जान होती हैं, बहुत ही हंसी खुशी का माहौल, मतलब ना इन्जॉयमेंट और ज़्यादा बढ़ जाता है, रौनक बढ़ जाती है। लेकिन हमारी शादी में पता नहीं कहाँ कहाँ बिजी थे सच में। और नेक्स्ट है दीदी और मेरी कज़िन सिस्टर दोनों, तो इस तरह के फ़ोटोज़ और भी बहुत सारे थे, लेकिन मैंने बहुत कम ही शेयर किए हैं, क्योंकि मतलब आपने खुद एल्बम देखा कितना साइज़ था उसका, तो वो तो शेयर करना पॉसिबल नहीं था। यहाँ फाइनली मम्मी पापा जी, और पापा जी बहुत खुश हो रहे हैं कि चलो विदाई हो रही है लड़की की, हमें बहुत परेशान कर रखा था। नहीं नहीं ऐसे नहीं, मैं बहुत सीधी सादी सी बच्ची थी, लेकिन हाँ मेरे पापा जी हैं ही थोड़े मतलब स्माइलिंग फेस है उनका। इस बात के बारे में मम्मी जी भी बोलती हैं कि बहुत हंसमुख हैं तुम्हारे पापा, तो यस। और यहाँ पे मैं इमोशनल हो गई थी, फोटो देख के लग रहा होगा। एंड ये है मेरे ताऊ जी ताई जी, और यहाँ पे फोटोज देख के ताई जी को ऐसे लग रहा था कि चलो ताई जी का कुछ फेस दिखा, वरना ना कहीं भी स्टेज पे ना उन मतलब हमारे यहाँ घूंघट करते हैं ना, तो फोटो करवाती बार भी ताई जी मतलब फेस पे पूरा घूंघट ही कर लेते थे, और फिर ध्यान आता था कि फोटो होना था, फेस तो दिखा ही नहीं। यहाँ पर है मेरे दोनों भाई, हर्षित मामा जी का बेटा, और ये साइड में छोटा बच्चा है दीदी का बेटा है, सभी की स्माइलिंग फेस है। और आप ध्यान दीजिए मेरी, मेरे छोटे भाई की, और जो मेरा बड़ा भाई है, तीनों की स्माइल सेम है, बस लिप्स ऐसे लग रहा है एक लाइन खींच दी गई है। और वहाँ मेरे हस्बैंड और हर्षित पूरा स्माइल कर रहे हैं, जैसे दांत दिख रहे हैं कि हम कोलगेट करके आए हैं और अपने अपने दांत छुपाए हुए हैं। नेक्स्ट अब आ गया है डिनर का नंबर। डिनर ये शायद पहला और आखिरी टाइम होगा जब मेरे हस्बैंड ने मुझे गुलाब जामुन खा खिलाया था, और कुछ भी खाने पीने की चीज़ें रोक टोक नहीं की थी। आजकल का तो ये टाइम है कुछ भी खाओ पियो हमेशा रोक टोक करते हैं, ये नहीं खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए, अनहेल्दी फूड के लिए बहुत ज़्यादा टोकते हैं। इस दिन कुछ नहीं कहा था बस। और यहाँ पर ये फेरों का टाइम, फेरों के टाइम में मतलब हम तो फेरों पे बैठ जाते हैं, और जो फीमेल्स होती हैं हमारी फैमिली की, जो मायका साइड की फैमिली होती है, उनकी फीमेल्स इस तरह से बैठ जाते हैं, गीत वीत गाते हैं। तो मुझे इनका ये अरेंजमेंट बड़ा अच्छा लगा था, कैसे अच्छा लगता है सारी औरतें इकट्ठे होकर रजाई में बैठी हैं, स्पेशली यहाँ पे आधी से ज़्यादा तो गुफ्तगू होती है इनकी, फिर बीच में जब याद आता है तो गीत गा जाते हैं, कुछ इस तरह का माहौल होता है। गीत कभी अगर किसी ने अटेंड किया हो ना तो ऐसे ही होता है, बीच में कुछ बातें करेंगे, इधर ये हो गया उधर वो हो गया, फिर एक गीत स्टार्ट करेंगे, फिर बीच में ब्रेक लेंगे, कहीं की बातें होंगी, तो इस तरह का माहौल होता है। और ये है हमारे छोटे मामा जी। छोटे मामा जी देखने में बहुत सीरियस लगते हैं, वैसे इनके बारे में कहा जाता है बहुत ही फन लविंग है, ऐसे नहीं है, बस शक्ल ऐसी है इनकी, थोड़ा सीरियस टाइप से लगते हैं, वैसे फन लविंग है ये मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मैंने हमेशा इनको ऐसे ही देखा है, मैंने इनको कभी कॉमेडी करते हुए नहीं देखा।
यहाँ पर हाथ पीले करने की रस्म हो रही है, मतलब फाइनली हम उस स्टेप की तरफ बढ़ते जा रहे हैं जब लड़की की विदाई होने वाले हैं। मम्मी जी पापा जी, घर के अधिकतर फैमिली मेम्बर्स मतलब हाथ पीले करते हैं, सिर्फ मम्मी पापा जी नहीं, जो सिस्टर्स होते हैं वो भी करते हैं, मामा जी लोग भी करते हैं, और इस तरह से फिर ऊपर उठ गए हैं तो फाइनल होता जा रहा है। और यस, कुछ इस तरह से रहा है। बहुत इमोशनल हो गई थी मैं इस टाइम पे, क्योंकि समझ में आ रहा था कि यस अब विदाई का समय आ गया है। और यस, यहाँ पर सिंदूर भरने की रस्म है, हमारे यहाँ सिक्का लेके उससे सिंदूर भरते हैं, तो इस तरह से है। और देखिए फोटो भी आ गया, यस एक स्पेशल फोटो इस पे की, यस हमने मांग भरी है, ऑफिशियली शादीशुदा हो गए हैं। मतलब फोटोज, मतलब मुझे ये लग रहा था जो फोटोग्राफर होते हैं उनका भी काम कैसा होता है ना, मतलब यहाँ पे इतना इमोशनल माहौल था, लेकिन फिर भी यहाँ भी पोज दो वहाँ भी दो, इस तरह का हो रहा था। एंड यस, यहाँ पर फिर विदाई है, और यहाँ पर जो मेरी आर्टिफिशियल ज्वेलरी थी वो सब भी मैंने निकाल दी थी, जो ओरिजिनल था जितना भी कुछ, तो वो पहन के फिर विदाई थी। एंड यहाँ पर मेकअप कुछ अलग ही दिख रहा है, मतलब ना ऐसे लग रहा है लिपस्टिक का कलर बिल्कुल चेंज हो गया है, शुरू में मैरून कलर लग रहा था, अब कुछ और ही दिख रहा है। मैं थोड़ा और जूम करके दिखाती हूँ आपको, देखिए ये तो मेकअप नहीं था, लेकिन सारा मेकअप उतर उतर के अंदर की लेयर आ गई है, ऐसे कुछ लग रहा है। और ये मेरे एल्बम का लास्ट फोटो है, मतलब विदाई हो गई, गाड़ी में बैठ गए हैं, पीछे से सिक्के उछाले जाते हैं, फाइनली दुल्हन विदा हो जाती है, नहीं एक राउंड लगा के फिर दोबारा वापस आते हैं, ऐसे कुछ भी था, तो इस तरह से रहा है। एंड यस, पीछे मेरे भाई खड़े हैं, हर्षित है मामा जी के लड़का, और पीछे जो मेरा छोटा भाई है वो जिसके हाथ में हैंकी है इतना बड़ा, उसी समझ में आ रहा था कि वो बहुत रो रहा था मेरा अभी ध्यान गया इस फोटो पे पीछे, जब मैं अभी अब देख रही हूँ एल्बम, कई बार होता है कुछ चीज़ें छूट जाती हैं, तो फ्रेंड्स यही थी बस मेरी शादी की एल्बम, जिन लोगों ने नहीं देखी आई होप उन्होंने देखा होगा सब, ठीक है तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।